नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 नेटवर्क। आपको बता दें कि सिवान में देर रात अपराधियों ने अफरोज नामक व्यक्ति को गोली मार दी है। आपको बता दें कि यह घटना हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हबीब नगर की बताई जा रही है, जहां बेखौफ अपराधियों द्वारा अफरोज को गोली मार दी गई। गोली किस कारण मारी गई है, इसका भी पता नहीं चल पाया है। वहीं आसपास के लोगों की मदद से उसे सिवान सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसकी स्थिति गंभीर देखते हुए डॉक्टरों की टीम ने उसे पटना रेफर कर दिया। प्राप्त सूचना के अनुसार घायल अफरोज की पटना जाने के क्रम में ही मौत हो गई है, जिसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए सिवान लाया गया, जहां पूरी प्रक्रिया चल रही है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। अब देखना यह है कि पुलिस अफरोज के हत्यारे को कब तक पकड़कर सलाखों के पीछे भेजती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आपको नाज़रीन बता रहे थे हम, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले दिया जा सके। धन्यवाद। देखिए, हुसैनगंज थाना के हबीब नगर शंकरपुर टोला की घटना है। अफरोज नाम के लड़का है, रात में विवाद में गोली लगा है, जिसके सदर अस्पताल में प्रथम उपचार हुआ और उसके बाद से लड़का पटना जाने के क्रम में इसका देहांत हो गया और सुबह इसका सिवान सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम का प्रक्रिया चल रहा है। निश्चित तौर पर हम मांग करते हैं प्रशासन से कि इस घटना में जो भी दोषी होगा उसको जांच पड़ताल करके गिरफ्तार करने के काम किया जाए।